नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया देने वाला हूं जो कि कम पूंजी में शुरू होने वाला है। हाँ दोस्तों, 5000 से आप खुद का बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, ओनली वो भी 5000 रुपया लगा के। 5000 रुपया लगा के आप महीने का 30 से 40 हजार रुपया कमा सकते हो, अपने घर से शुरू कर सकते हो अपना खुद का बिजनेस। अगर आप बेरोजगार हो या फिर आप नौकरी नहीं करना चाहते, या फिर आप सोच रहे हो बिजनेस करने की वो भी अपना, या फिर आपने नौकरी छोड़ दी है पर बिजनेस करना चाहते हो 2025 के अंदर, पर ऐसा कौन सा बिजनेस आप कर सकते हो जो कि कम पूंजी में शुरू होगा, ये मैं बिजनेस आपको बताने वाला हूँ। ओनली 5000 रुपया लगा के बिजनेस शुरू होने वाला है, और इस बिजनेस को कैसे करना है, कौन सा तरीका है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। इस बिजनेस को आप गाँव में भी कर सकते हो, शहर में भी कर सकते हो। अगर आप घर पे हो, यानी कि घर से हो, घर से शुरू करना चाहते हो बिजनेस, आप घर से भी शुरू कर सकते हो इस बिजनेस को। देखो मैं आपको एक कहानी की तरह इस बिजनेस को बताने वाला हूँ, ठीक है। आइडिया तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा है, पर एक मैं कहानी की तरह आपको बिजनेस बताऊंगा जो कि आप जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आप बिजनेस करना चाहते हो वो भी कम पैसे में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे नया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और साथ में शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो बिजनेस करना चाहते हैं 2025 के अंदर। चलो वीडियो को करते हैं यहीं से शुरू। देखो दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ इस बिजनेस के दौरान, तो इस बिजनेस को आप वैसे ही कर सकते हो जो मैं आपको एक स्टोरी की टाइप के बताने वाला हूँ, ठीक है। एक कहानी के टाइप में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना 2025 के अंदर। यानी कि मान के चलो एक राजू नाम का लड़का है, ठीक है। मैं आपको एक कहानी की तरह बताता हूँ, आप जल्दी समझोगे, लंबा ज्यादा वीडियो नहीं होगा, कम में आपका काम निपट जाएगा, ठीक है। आप समझ जाओगे कौन सा बिजनेस है। एक राजू है, वो जॉब करता है कंपनी में, वहां पे उसको सैलरी कितनी मिलती है, 12000 रुपया महीना, ठीक है। 12000 रुपया महीना राजू को सैलरी मिलती है, और राजू काम क्या करता है वहां पे, मतलब कि एसी वगैरह रिपेयर करता है, ठीक है। एसी का काम करता है, एसी रिपेयर करता है, एसी को ठीक करता है। 12000 रुपया सैलरी है, और महीने की 4 छुट्टी है, और सुबह 8 बजे जाता है और 5 बजे उसको छुट्टी हो जाती है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा छुट्टी करेगा, 4 छुट्टी तो उसको ऑलरेडी महीने का मिल रहा है, संडे संडे एक्स्ट्रा छुट्टी करेगा तो पैसा भी कट होता है उसका, ठीक है। राजू का अभी, राजू को 2 साल हो गया काम करते करते हुए, और राजू का जो पैसा बढ़ रहा है, एक साल में एक बार पेमेंट उसका बढ़ता है, और कितना पैसा बढ़ रहा है, 1000 रुपया बढ़ रहा है। अभी 2 साल हो गया उसको काम करते हुए, और 2 साल में उसका पेमेंट कितना हो गया, 14000 रुपया हो गया, क्योंकि साल में 1000 रुपया बढ़ रहा है, 14000 रुपया राजू का पेमेंट हो गया। राजू 2 साल से कंपनी के अंदर काम कर रहा है, 14 उसकी जो जब स्टार्टिंग जो सैलरी थी 12000 रुपया थी, और 2 साल के अंदर उसकी सैलरी 14000 रुपया हो गई, और छुट्टी वो ही रह रहा है उसका, ठीक है। 4 छुट्टी रह रहा है महीने का, और सैलरी कितनी, 14000 हो गई। तो राजू को सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब वो एक्स्ट्रा छुट्टी करता था तब उसका पैसा काटा जाता था कंपनी वालों से, ठीक है। जब राजू एक्स्ट्रा छुट्टी करता था, काम नहीं होता था, तो उसका एक्स्ट्रा पैसा काटा जाता था। राजू का बहुत ज्यादा मतलब की तकलीफ थी, और राजू के पास एक बाइक गाड़ी थी, ठीक है, मोटरसाइकिल बाइक, जिससे वो क्या कि घर से कंपनी में जाता था, और कंपनी से जब उसको छुट्टी होती थी तो वो घर आ जाता था। उसका बाइक का भी तेल का खर्चा होता था, पर राजू को ज्यादा पैसे बच नहीं रहे थे, ठीक है। 14000 में राजू क्या बचाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी शादी हो रखी है, बच्चे भी है, और वो काफी परेशान हो चुका था कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं ज्यादा पैसे भी कमाऊं, और मेरा घर भी अच्छा चले, मेरा बाइक का खर्चा भी निकल जाए, और मेरे को पैसा भी बचे, मेरा पैसा कम ना हो, और जहां मैं जाता हूं वहां तो एक तो मेरे को 14000 रुपये पेमेंट मिल रही है, मेरे को 2 साल भी काम करते हुए वहां पे हो गया, अगर मैं एक्स्ट्रा छुट्टी करूं तो मेरे पैसे काटे जाते हैं, और संडे की छुट्टी तो जो मिलती है वो वैसे ही मेरे मतलब ऐसी छुट्टी निकल जाती है, पर एक्स्ट्रा जो मेरे को छुट्टी चाहिए उसके पैसे कट हो जाते हैं, ठीक है। तो राजू काफी ज्यादा परेशान हो चुका था इस जॉब को लेके, इस नौकरी को लेके, पर वो नौकरी करना नहीं चाहता था राजू, ठीक है। तो फिर क्या था कि उसकी मजबूरी थी, उसकी जो फैमिली थी पीछे, उनको कौन देखेगा, बच्चों को कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, उन पैसों से, राजू के पैसों से ही, 14000 से ही राजू के पैसों से घर चलता था, ठीक है। पर राजू के माइंड में एक दिन ऐसा आइडिया आया, उसको ऐसा लगा कि यार इन पैसों से मेरा तो अब कुछ नहीं होने वाला, मैं तो चाहे 10 साल कंपनी में मैं काम कर लूँ ना,
पर मैं कभी ज्यादा पैसे भी नहीं कमा सकता और ना मैं अपने परिवार को अच्छा रख सकता हूँ, ना मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सकता हूँ। क्योंकि अगर राजू 10 साल भी कंपनी में जॉब करता ना, तो 10 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी? 20,000 हो जाती, जब 25,000 हो जाती तो 10 साल में उसके फैमिली के और खर्चे बढ़ जाते। राशन महंगा हो जाता, कुछ ऐसी चीजें जो घर में इस्तेमाल होती है वो चीजें महंगी हो जाती, बच्चों की फीस ज्यादा बढ़ जाती, ठीक है, जहाँ लेडीज के भी कपड़े कुपड़े लेती है वो कपड़े महंगे हो जाते। तो सिस्टम वही आ जाना था राजू के, चाहे आज 14,000 राजू पेमेंट ले रहा है तभी वही उसका हाल रहना था, अगर वो 25,000 लेता तब भी वही हाल रहना था। आप बात को समझ रहे हो ना जो मैं कह रहा हूँ? तो इसीलिए राजू ने एक अपना माइंड लगाया कि क्यों ना यार, अगर मैं 1-2 महीने और काम करके जो पैसा मैं थोड़ा सा बचा के खुद का बिजनेस शुरू करूं। तो फिर राजू ने क्या किया, 2 महीने और काम कर दिया कंपनी के अंदर, यानी कि राजू ने 2 साल और 2 महीने काम करके उस कंपनी को अलविदा कह दिया, छोड़ दिया। क्योंकि राजू को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, राजू की पेमेंट कितनी थी? 14,000 थी। तो राजू ने 2 महीने और काम करके 14,000 का पैसा डबल करके उसके पास 28,000 हो गया। 8,000 रुपया उसने अपनी बीवी को दे दिए खर्चे खुर्चे के लिए और बच्चों के एडमिशन के लिए, फीस के लिए, और 20,000 रुपया राजू ने अपनी जेब में डाल दिया। अभी राजू ने कंपनी तो छोड़ दिया, कंपनी को अलविदा कर दिया। अभी राजू के पास आइडिया बहुत आने लगे, पर राजू को एक ऐसा बिजनेस आइडिया चाहिए था जो कि उसके घर से शुरू हो, जो कि उसके घर वाले भी करें और वो भी करे, ठीक है। फिर राजू के पास था 20,000 रुपया। तो राजू बोलता है यार मेरे पास तो 20,000 रुपया, पर 20,000 में ऐसा कौन सा बिजनेस शुरू होगा? तो 20,000 में क्या, ये तो 5,000 में भी बिजनेस शुरू हो जाएगा। पर राजू के दिमाग में आइडिया क्या था कि मेरे पास 20,000 रुपया है जो मैंने कंपनी में 2 महीने एक्स्ट्रा लगा के पेमेंट लिया है, तो मैंने उसके बाद कंपनी तो छोड़ दी। राजू घर पे बैठना शुरू हो गया, राजू ने 2-3-5 दिन घर पे बैठा। फिर राजू के माइंड में ऐसे आइडिया चलते रहे, यार मैं खुद का बिजनेस करना चाहता हूं, मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, सुबह ड्यूटी जाना पड़ता है, आना पड़ता है। राजू काफी ज्यादा परेशान हो गया। फिर राजू के माइंड में एक बिजनेस आइडिया आता है। राजू के पास एक तो बाइक तो पड़ी थी जिसे वो कंपनी में आना जाना करता था अपने जॉब के लिए, ठीक है, ड्यूटी के लिए। तो राजू ने सोचा यार क्यों ना एक बाइक तो मेरे पास पड़ी है, क्यों ना मैं इसमें कुछ प्रोडक्ट सेल करूं, कुछ सामान बेचूं। तो फिर ऐसे करके उसकी वाइफ थी साथ में, उसकी वाइफ ने भी बोला हाँ हम कुछ अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपना कुछ धंधा शुरू कर सकते हैं, क्यों ना हम बेच सकते हैं। तो राजू की वाइफ ने उसको, राजू को उसी दिन रात को एक नया सूट दिखाया, ठीक है, जो वो खरीद के लाई थी, जो राजू ने उसको 8,000 रुपये दिए थे उसमें से वो 1,200 का सूट खरीद के लाई। तो राजू ने बोला कि ये क्या है? वो बोली जी मैंने नया सूट लिया है जो कि मेरे को 800 और 900 का पड़ा है, ठीक है, इसकी रेंज के अंदर अंदर पड़ा है। और राजू बोला ये तो बहुत महंगा सूट है, ये तुझको नहीं लेना चाहिए था इतना महंगा सूट, पर उसकी वाइफ ने ले लिया क्योंकि उसको पसंद आया था, इसलिए उसने सूट ले लिया। तो राजू ने यही सोचते सूट को देखते देखते यही माइंड में अपने आइडिया बना लिया कि अगर मेरी बीवी ने 800 का सूट लाया है, क्या जिस बंदे ने इसको 800 का सूट दिया है उसको क्या 800 का पड़ा होगा? नहीं, उस बंदे को बिल्कुल 200 या 300 का पड़ा होगा, पर उसने 800 का सूट राजू की बीवी को बेच दिया। तो राजू ने तब से अपने माइंड में एक बात बैठा ली, अभी मुझे करना क्या होगा, कुछ नहीं करना होगा, मुझे लेडीज कपड़े का बिजनेस करना है, करना है तो करना है। अगर मेरी बीवी 800 का सूट खरीद सकती है, हो सकता है इस दुनिया के अंदर कितनी लाखों बीवियां रहती हैं लोगों की जो 800 का सूट खरीदने के लिए तैयार होंगी, हो सकता है महंगा सा महंगा सूट भी एक औरत खरीद सकती है। इस करके फिर राजू ने अपना माइंड लगाया, राजू के पास बाइक थी, तो राजू ने क्या किया, दूसरे दिन सुबह राजू निकल गया दिल्ली के लिए जहां से लेडीज कपड़ा मिलता है, दिल्ली सरोजिनी मार्केट से राजू वहां पे चला गया, ठीक है। राजू ने वहां से कपड़ा उठाया अपने, पूरा 20,000 का लेडीज कपड़ा, ठीक है, 20,000 का लेडीज कपड़ा उठा लिया, जो कि वहां पे राजू को कपड़ा बहुत सस्ता मिल रहा है, राजू को 200 रुपए में एक सूट मिल रहा है भाई लेडीज का। तब राजू ने वहीं से अपनी बीवी को फोन किया, जहां पे कपड़ा तो 200 का है, तूने 800 का कहां से लिया? फिर उसकी बीवी बोली कोई बात नहीं, हम इसका बिजनेस ही करेंगे, आप ऐसे करो 20,000 का आप जितने आपके पास 20,000 रुपए जो बचे थे उसका आप 200 के हिसाब से आप कपड़े ले आओ घर पे, उसको फिर हम 800 में सेल करेंगे। उसके बाद राजू ने क्या किया, फटक से वहां से 20,000 का जितना उसका माल बनता था 200 के हिसाब से एक सूट का, वहां से राजू वहां से कपड़े उठा के अपने घर ले आया। घर में फिर राजू ने दूसरे दिन क्या किया, सुबह अच्छे से अपनी बाइक में सजा के कपड़े थोड़े से बाइक में इधर लटकाए, थोड़े से इधर लटकाए, और फेरी के लिए अपने गांव में निकल गया।
ठीक है, यानी कि अपने गांव में घूमना शुरू कर दिया भाई। लेडीज कपड़ा आ गया, इतना सस्ता आ गया, लेडीज कपड़ा आ गया, डिजाइनिंग कपड़ा है, सूती कपड़ा है, अच्छा कपड़ा है। ऐसे करना राजू ने सेल करना शुरू कर दिया कपड़ा। तो राजू के एक दिन में 5-6 छूट बिक जाते थे स्टार्टिंग में, और राजू उनको जैसे राजू को 200 रुपए में पड़ा है, राजू उनको 500 में भी बेचना शुरू कर दिया। राजू को पता नहीं था कि कपड़े कैसे सेल करते हैं, कितना रेट होता है, पर उसकी वाइफ ने तो 800 को लिया था, ठीक है, उसके माइंड में था मेरी बीवी ने 800 का लिया है, पर राजू ने 500 का सेल करना शुरू कर दिया स्टार्टिंग में। पर राजू के कपड़े बहुत ज्यादा बिकने लगे शुरू में, क्योंकि रेट कम था और लोगों को पता था राजू अच्छे और सस्ते कपड़े दे रहा है। राजू से लोग कपड़े काफी ज्यादा खरीदने लगे थे, ठीक है, लेडीज कपड़े। तो लेडीज ऐसे करके लेडीज जो कपड़े उससे लोग खरीदते थे वो भी खुश हो जाते थे, पर राजू भी खुश हो जाता था, यार मैं 200 की चीज मैं 500 में बेच रहा हूं। तो ऐसे करते करते राजू ने जो पैसा बचा उसके पास, और महीने में उसने और कपड़े शुरू किए, और कपड़े ले आया दिल्ली से, और कपड़े बेचना शुरू किए। ऐसे ऐसे करते राजू ने 500 से 600 में एक सूट बेचना शुरू कर दिया, पर वो भी बिक रहा है। फिर 700 में उसका रेट कर दिया, वो भी बिक रहा है। ऐसे करते करते राजू ने पूरे अपने गांव में, जो आसपास में गांव में, उसने पूरी मार्केट बना ली, अपने कपड़ों की मार्केट बना ली है, ठीक है, लेडीज कपड़ों की मार्केट बना ली। उसके बाद राजू ने क्या किया, भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैं बहुत सारे, राजू महीने का 20 से 30 हजार भी कमा रहा है, ठीक है। फिर राजू ने एक बिजनेस आइडिया और लगाया, भाई मैं तो कमा रहा हूं पर मेरी बीवी नहीं कमा रही है, मेरी बीवी को भी इस काम में आना चाहिए और कुछ पैसे कमाने चाहिए। फिर राजू ने एक मार्केट, अच्छी मार्केट में एक दुकान देखी किराए में, जो माल राजू के पास बच जाता था वो माल ओनली दुकान में छोड़ता था, फिर दिल्ली में जाके नया माल लेके आता था बेचने के लिए, जो माल बचता था वो दुकान में छोड़ता था, और दुकान उसकी बीवी संभाल रही है, और बच्चे जो थे वो उस टाइम स्कूल जा रहे थे, उसके बाद उसकी बीवी दुकान संभालने लगी। उसके बाद राजू का जो धंधा चलने लगा ना भाई साहब, बहुत अच्छा धंधा चलने लगा। एक तरफ राजू गांव-गांव में जाके कपड़े सेल कर रहा है, दूसरी तरफ से उसकी बीवी दुकान कर रही है कपड़ों की। तो ऐसे करके आप खुद भी बिजनेस कर सकते हो अपने कपड़े का, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास एक बाइक है ना, बाइक में आप 5 हजार का माल डाल के, 10 हजार का माल डाल के गांव-गांव में जाके घूम घूम के आप कपड़े सेल कर करके महीने का 30 से 40 हजार रुपया आराम से कमा सकते हो। पर आज की डेट में राजू 50 से 60-70 हजार रुपया आराम से कमा रहा है। अगर दुकान में से भी वो, अगर इनकम का इंश्योरेंस आप देखना टोटल करे, वो महीने का 30 से 40 हजार रुपया वो दुकान से कमा लेगा। अगर वो आप खुद भी वो फेरी लगाता है, बाइक में कपड़े सेल करता है, ठीक है, बाइक के ऊपर गांव-गांव में जाकर कपड़े सेल करता है, तो 40 से 50 हजार रुपया वो कमा लेगा, यानी कि महीने का 60-70 हजार रुपया दोनों मियां बीबी रल के आराम से कमा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एक मैंने आपको एक कहानी के मतलब कि थ्रू मैंने आपको समझा दिया है, एक राजू की कहानी थी ये, ठीक है, जो कि पैसे कमाने का आइडिया भी उसके माइंड में कैसे आया, ठीक है। ऐसे करके आप भी आइडिया सोच सकते हो और बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। आइडिया मैं आपको बता दिया है कौन सा बिजनेस का आइडिया होने वाला है, ठीक है। अगर आप नौकरी करना नहीं चाहते, अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हो, या फिर आप सोच रहे हो 2025 में बिजनेस करूं, मेरे पास बाइक पड़ी है, गाड़ी पड़ी है, मैं ऐसा कौन सा बिजनेस करूं, भाई साहब आप कुछ भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, कपड़े खरीद के सस्ते में और महंगे सेल कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे बढ़िया बिजनेस आइडिया होने वाला था आज की वीडियो के अंदर, जो मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से थ्रू मैंने आपको बता दिया है। ये फर्स्ट ऐसी वीडियो होने वाली है जो मैंने राजू की कहानी आपको बताई है, वो भी एक बिजनेस वाली, ठीक है दोस्तों। मेरे को बहुत अच्छा लगा इस वीडियो को क्रिएट करते हुए, मैंने आपको एक स्टोरी में बताया है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो 2025 के अंदर कम पैसों में, तो अगर आप 5 हजार भी है तो 5 हजार का माल डाल के आप उसको सेल करो, जो पैसा ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होलसेल कर सकते हो, जो पैसा आपको बचेगा उससे और माल खरीदो। ये नहीं है वो पैसा दारू में उड़ा दिया ये ले लिया ना, पहले बिजनेस उसके बाद मजे, ठीक है दोस्तों। तो बिजनेस आइडिया कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिजनेस क्या होने वाला मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास एक बाइक है आप उससे भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। ये बिजनेस घर से शुरू होते हैं भाई, घर से आप शुरू करोगे तो अच्छा रहेगा, आप भी करो आपकी वाइफ भी करेगी, ठीक है। बिजनेस ऐसा करना जो दो लोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पे नया आए तो चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।